प्रिया बता रही थी कि आज आप आने वाले नहीं हो। हाँ, दरअसल आज मेरा कुछ पर्सनल काम था तो इसीलिए छुट्टी लेना पड़ा। वो काम पोस्टपोन हो गया तो मैंने सोचा छुट्टी करने से क्या फायदा, इससे प्रिया की पढ़ाई का भी नुकसान होगा। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसी बहाने आपको एक दिन घर पर आराम करने को मिल जाता। अगर हम गार्जियन ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे तो और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन मुझे प्रिया की फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसे पढ़ाते हैं। आप तो खुद उसका इतना ख्याल रखते हैं, उसकी पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन लेते हैं, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। आप ऐसा कीजिए, आप अंदर रूम में जाइए, प्रिया अपने रूम में ही है। प्रिया बेटा, आपके टीचर आपको पढ़ाने आए हैं। आजकल का माहौल बहुत ही खराब है। बाहर बच्चे लोगों का कितना शोर शराबा है, खुद तो पढ़ते नहीं और जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़ने नहीं देते। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के बच्चे इतने बिगड़ चुके हैं कि उनको समझाना तो इतना मुश्किल हो चुका है। मैं काम करती हूँ, मैं बाहर से दरवाजा बंद कर देती हूँ, इससे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आप आराम से पढ़ा पाएंगे। जी अच्छे से पढ़ो। माई नेम इज स्वर्ली, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से उन पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्लीज़ आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा ना कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।